हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर किस तरह के सवाल हो सकते हैं। ठीक है, आज उसी कैटेगरी का एक सवाल हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे रोटेशनल काइनेमेटिक्स के ऊपर किस तरह के सवाल हो सकते हैं इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा सवाल क्या है। तो सवाल ये बता रहा है आपके पास तीन रॉड है। ठीक है, आपके पास क्या बेटा तीन रॉड है और तीनों जो रॉड है बेटा आइडेंटिकल। आपके पास क्या है तीन रॉड है, तीनों रॉड कैसी है आइडेंटिकल, यानी रॉड की अगर मैं बात करूं तो मास m है और लेंथ कितनी है या टाइम की l। ठीक है, मास m और लेंथ कितनी है l, और ये जो आइडेंटिकल रॉड है ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आपको बताना है फाइंड द mi मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कौन कौन से एक्सिस की बात कर रहे हैं बेटा। फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन वन यानी ये एक्सिस, उसके बाद टू टू यानी ये एक्सिस, ठीक है, और थ्री थ्री यानी ये एक्सिस। तो इन तीनों एक्सिस के अकॉर्ड आपको बताना है कि एग्जैक्टली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, तो अगर इन तीनों एक्सिस के अकॉर्ड आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो सवाल जो बेटा उस सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच किस तरह का, मतलब किस तरीके का हो सकता है। तो देखिए क्या किया जा सकता है, तो वैसे बोल देता हूं बेटा टू फाइंड, क्या लिखता हूं टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बेटा हमें द एम आई, टू फाइंड द एम आई। ठीक है, टू फाइंड द एम आई ऑफ रॉड ए, मैं इसे नाम दे देता हूं, सपोज मान लेते हैं चलो सबसे पहले ये रॉड ए हुआ, ये रॉड बी हुआ और ये आपका रॉड सी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं टू फाइंड द एम आई ऑफ रॉड ए। ठीक है, यानी किसका रॉड ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट किसके अबाउट है बेटा, कौन से एक्सिस हो सकती है अबाउट वन डैश वन सबसे पहले, सो अबाउट सॉरी वन वन। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, तो मैं लगाऊंगा बेटा कौन सा थ्योरम कर सकता है, देखो इस एक्सिस को यहां बना लेता हूं मैं कुछ इस तरीके से एक एक्सिस, फिर इस एक्सिस को बनाते हुए से बोलूंगा बेटा एक तो सेंटर से पास होकर दोनों के बीच में दूरी यानी फोर और वन कितनी दूरी का है एल, तो ये दूरी कितनी होगी एल बाय टू हो जाएगी। अरे यार होगी कि नहीं, अगर ये दूरी एल बाय टू हो जाती है, देखो अगर मैं इस यहाँ यही पे बना लू तो ये दूरी कितनी होगी बेटा एल बाय टू, और ये कितनी आगे टोटल अगर एल बाय टू ये एल बाय टू। ठीक है, और अगर मैं ऐसी यहाँ पे एक सपोज टू बी एक एक्सिस और बना लेता हूँ, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे एक और एक्सिस बना लेता हूँ, अब इस एक्सिस को मैं कुछ बोल सकता हूँ, मान ले बेटा इस एक्सिस को मैं ए ए बोल लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये दूरी मेरे पास कितनी है एल बाय टू है, और ये एक्सिस है और ये एक्सिस, इसके अबाउट मुझे पता है कितना होता है, और इसको यहाँ शिफ्ट करना है तो सॉरी इसको यहाँ शिफ्ट करना है तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। देखिए सो यहाँ पे दोनों एक्सिस जो बेटा मैंने कैसे बना हुई है पैरेलल, यानी यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज होगा बेटा, तो यहाँ पे थ्योरम यूज किया जाएगा बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कौन सा थ्योरम यूज किया जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया जाएगा तो मैं क्या करूंगा अप्लाइंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कौन सा थ्योरम लगा रहा हूं बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करूंगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोला जा सकता है, अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर अप्लाई कर लोगे तो क्या लिखा जाएगा ए रॉड के लिए लिखना है ना, सो आई ए इज इक्वल टू, तो ये पहले ले लेता हूं बेटा आई ए ए प्लस एम, और कितनी दूरी है यार एल बाई टू, यानी क्या लिखूंगा बेटा एल बाई टू का आ जाएगा स्क्वायर। क्या फॉर्मूला क्या होता है आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है ना, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, अगर ये हो बेटा तो ए के अबाउट, मैं किसके अबाउट लिख रहा हूँ बेटा ए के अबाउट, ध्यान से देखो मैं किसके अबाउट लिख रहा हूँ बेटा ये,
यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके अबाउट देखो x से पास करें तो ये तो जीरो हुआ, प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा ml square by 4, यानी फाइनलाइज करते हुए क्या निकल के आएगा बेटा ml square by 4 आ जाएगा। अब ये अगर आपके पास आया तो ऐसे ही देखो ये रॉड है ना, कौन सा a, ऐसे किसके लिए होगा c के लिए, तो सिमिलरली मैं इसे बोल पाऊंगा बेटा सिमिलर फॉर इसके लिए आ जाएगा बेटा ये सिमिलर फॉर रॉड सी, इसके लिए बेटा रॉड सी के लिए भी एज इट इज लिखूंगा बेटा। अब बात कर लेते बेटा इसकी रॉड बी की, अब रॉड बी देखो कहां बेटा, तो रॉड बी ये वाला बिल्कुल बीच में देखो रॉड बी, तो रॉड बी के लिए क्या लिखोगे फॉर रॉड बी, क्या लिखा जाएगा फॉर रॉड बी। अगर मैं रॉड बी की बात करूं तो देखो सेंटर से पास होती है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के लिए कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 के बराबर, इसके बराबर आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 के बराबर। अगर वो एम एल स्क्वायर बाय 12 तो ए के लिए भी हुआ, सी के लिए भी हुआ और बी के लिए, तो नेट अगर मैं लिखूं नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए बेटा 1 के लिए तो किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। तो देखो आई ए और आई बी दोनों तो सेम ही होंगे, सॉरी आई ए और आई सी दोनों तो सेम ही होंगे, तो ये आ जाएगा बेटा कितना एम एल स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 प्लस, ठीक है, और ये कितना आ रहा बेटा एम एल स्क्वायर बाय 12 के बराबर, यानी अगर बात की जाएगी तो क्या बच रहा है एम एल स्क्वायर बाय 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 यानी 6 एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस ये कितना रहा एम एल स्क्वायर बाय 12, यानी फाइनलाइज करते हुए आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आना है 7 एम एल स्क्वायर बाय 12, कितना आना है बेटा वो 7 एम एल स्क्वायर बाय 12, ये फाइनलाइज हो जाएगा इसके लिए 1 के लिए। अब उसी तरह से मुझे 2 के लिए भी निकालना है और 3 के लिए भी निकालना है, अब इसी तरह से मुझे क्या करना है 2 के लिए भी कैलकुलेट करना है और 3 के लिए भी कैलकुलेट करना है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का है बेटा ये वाला, ये इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मुझे सोचना है, अगर इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मुझे सोचना है तो क्या लिख सकता हूं, अगर ये एक्सिस के अकॉर्डिंग मुझे सोचना है बेटा तो किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है बताओ जरा, ठीक है ना। तो अबाउट 2 के लिए अगर मैं बात करूं अबाउट 2 के अगर मैं बात करूं तो सीधा पास कर रहा है ना, तो 2 के लिए फिर से वही लिख सकता हूं मैं, क्या बोलूंगा बेटा आई 2 इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। अब देखो अगर यहां पर बात कर लेते हैं तो यहां से इसके बीच में मतलब यहां से सेंटर से पास हो गए, इससे भी कहां से पास हो गए सेंटर से, और बी से सीधे पास कर लिए, देखो ध्यान से है, अगर ये एक्सिस है तो इसके सेंटर से पास करिए ए के बी के बिल्कुल उसी एक्सिस पे और सी के भी सेंटर से पास करिए, यानी बी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, ए के लिए कितना जाएगा सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर, ठीक है एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, तो कहने का मतलब यहाँ पे कितना जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12, यहाँ पे कितना जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12, यानी अगर मैं बात कर लू तो यहां से मैं बात कर लू तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस सॉरी बी को जीरो है ना, हाँ बी जीरो है, प्लस ये कितना बेटा एम एल स्क्वायर बाय 12, यानी कितना बेटा ये 2 एम एल स्क्वायर बाय 12, यानी कितना बेटा ये आ जा रहा है एम एल स्क्वायर बाय 6, एम एल स्क्वायर बाय 6 ये रहेगा बेटा किसके अबाउट 2 के अबाउट, ये रहा 2। अब 3 के अबाउट निकल है, अब 3 के अबाउट अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो 3 के अबाउट किस तरह से कैलकुलेट कर लोगे, अबाउट 3 की अगर हम बात कर लेते हैं तो किस तरह से आ जाएगा, तो अगर मुझे 3 के लिए कैलकुलेट करना है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं
या अगर आपने क्लियर कर लिया होगा बेटा यहाँ तक तो इसको जल्दी से लिख लेना, मैं 3-3 की बात कर लेता हूं। तो अबाउट 3-3 की अगर हम बात कर लेते हैं तो कैसे होगा, सो अबाउट 3-3 तो अबाउट 3-3 की बात कर लेते हैं तो 3-3 ये रहा। अगर ये है तो मैं सबसे पहले अबाउट 3-3 की बात करूं तो इसके लिए सब मतलब बता सकता हूं ना। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, ध्यान देखो 3-3 आई बी पैरेलल है इसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो आई ए कितना हो जाएगा, देखो इसके लिए अगर मैं बात कर लू यानी देखो आई ए तो सबसे पहले देखो एक तो सेंटर मतलब सीधी पास हो रही है 0 प्लस, अब कितने दूरी पर 0 प्लस, देखो मैं कैसी बात कर रहा हूं, देखो मैंने क्या किया 1-1 के लिए बात कर ली है ना मैंने। अगर मैं 3-3 की बात कर लेता हूं बेटा ये एक्सिस है ये वाली, तो यहां से देखो यहां से इसके लिए 0 हुआ, अगर इसके लिए 0 हुआ तो इसको मुझे क्या करना है, देखो जरा ये एक्सिस इसके लिए 0 तो यहां शिफ्ट करना है ना मुझे, तो कितनी दूरी पर शिफ्ट करना है आई ए की बात कर ले यानी यहाँ पे बात कर ले इसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के ऊपर, तो इसके लिए तो 0 हुआ और कितनी दूरी मतलब ये 0 हुआ और कितनी दूरी पर है बेटा, कितनी दूरी पर है बताओ एम एल स्क्वायर, टोटल कितनी लेंथ है यार ये टोटल लेंथ कितनी है एल है, तो यहाँ पे देखो अगर इसकी बात कर लेता हूं इसके लिए 0, इसकी बात कर लेता हूं इसके लिए 0 है और इसको मुझे यहां शिफ्ट करना है इस एक्सिस के ऊपर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो कितनी दूरी चल रहा हो बेटा एल, तो यहाँ 0 प्लस एम एल स्क्वायर प्लस, आप देखो अगर मैं आई बी की बात कर लेता हूं बेटा आई बी की बात कर लूंगा तो आई बी देखो कहा ये रहा ये वाला, तो कहा पास हो रहा है बेटा बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है क्या, देखो इस एक्सिस की अगर बात कर लेता हूं यहाँ पे ऐसी कुछ बात है ना, यहाँ देखो ध्यान से ये रॉड है यहाँ पे ये लगाई हुई ऐसी, ठीक है तो मुझे क्या करना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दूरी होगी एल दूरी, यानी कितना हुआ ये एम 0 इसका 0 हुआ और कितना दूरी पर एल दूरी तो एम एल स्क्वायर हो गया। अब ये तो हुआ ए के लिए, अब बी की बात कर लेते हैं तो बी के लिए कितना आ जाएगा यार, बी के लिए आ जाएगा ये एम एल स्क्वायर बाय 3 क्योंकि ए के इसे पास हो रही है उसके, बी जो है वो भी ऐसे है और ये एक्सिस ऐसे है, देखो ये बी है और ये एक्सिस ऐसे है, तो बी के किससे पास हो रही है 1 से पास हो रही है, तो 1 के लिए कितना लिखोगे एम एल स्क्वायर बाय 3, और अगर सी की बात कर लेंगे तो सी के लिए एक्सिस ऐसे है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ 0। आई होप आपको क्लियर होगा, देखो मैं आपको बना के देता हूं, देखिए ये 3 रॉड है मेरे पास, ध्यान से देखना ये 3 रॉड है तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, ठीक है इस तरह से आपको बताया हुआ कॉम्बिनेशन। अब अगर ग्रीन मार्क को देखो तो ये मेरे लिए थर्ड एक्सिस है, तो अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की कोशिश करूं तो देखो मेरे पास इसके लिए इसके अबाउट लिखना है तो ये एक्सिस इससे पास हो रही है तो इसके अबाउट आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 होगा, लिख दिया। अब ये कितनी दूरी है एल, क्योंकि हम लिखते क्या एम आर स्क्वायर, आर क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है तो कितना हुआ एम एल स्क्वायर, तो लिखा। अब देखो यहाँ पे ये एक्सिस है, इस बी के लिए बताना बी रॉड के लिए यानी 2-2 के लिए तो एन से पास हो गए तो एम एल स्क्वायर बाय 3, और यहाँ पर इसके खुद से यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यहाँ पे इसके लिए कितना लिखा बेटा 0, यानी फाइनल आंसर के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो फाइनल आंसर जो आएगा बेटा वो किस प्रकार से हो सकता है, तो वो फाइनल आंसर आ जाएगा ये तो 0 हुआ तो ये आया बेटा कितना एम एल स्क्वायर प्लस ये आया बेटा कितना एम एल स्क्वायर बाय 3, यानी कितना रहा बेटा 4ml² / 3 के बराबर, कितना रहा बेटा 4ml² / 3 के बराबर। तो अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का भी सवाल आ जाता है रॉड का, एक रॉड दो रॉड, अब कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं कि ऐसी हो, कॉम्बिनेशन आपके पास किसी भी प्रकार का हो जाए तो आपको डरने की बात नहीं है, सिर्फ आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम की फील आनी चाहिए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से उसे अप्लाई करना होता है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कॉम्बिनेशन के तौर पर इस तरह का सवाल
गलत हो जाए तभी भी आपको अप्रोच कुछ इस तरीके का रखना है, ठीक है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, तो आगे हमें क्या पढ़ना है, तो आपको बता दो बेटा हमें रोटेशनल काइनेमेटिक्स पढ़नी है। जैसे मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था, यानी जब हमने बात कर ली थी बेटा स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेक्चर था रोटेशनल मोशन, वही पे मैंने बताया था बेटा कि आपको रोटेशनल मतलब समझने के लिए सर्कुलर का कुछ बेसिक फॉर्मूले बोलो या बेसिक जो पता होना चाहिए। अब सर्कुलर की बात कर लेते हैं, तो सर्कुलर में हमने तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन देखे हुए थे, काइनेमेटिक्स की हम बात कर लेते हैं, सर्कुलर काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स की कुछ रिलेशन देखे हुए थे, कौन कौन से v = r ओमेगा, ठीक है। कुछ बताया था बेटा दो तरह का एक्सीलरेशन होता है, एक एसी होता है, एक एनटी होता है, एनेट इज इक्वल टू अंडर रूट एसी स्क्वायर प्लस एनटी स्क्वायर, ये सारी बातें हमने वहां पे डिस्कस की हुई। एसी का मतलब कौन सा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, एनटी का मतलब कौन सा टेंजेंशियल वगैरह वगैरह, सारी बातें हमने कर ली। अब उसी तरह मतलब उसी के ऊपर कुछ सवाल बन सकते हैं, अब सवाल किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो आपने अगर ये कंप्लीट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल जो है रोटेशनल काइनेटिक्स के अंदर उसकी हम चर्चा कर ली जा रहे हैं, देखते हैं सवाल किस तरह से हो सकता है। चलिए देखते हैं सवाल, चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल में बोला गया है कि एज शोन देयर इज रोटेटिंग, एज शोन देयर इज रोटेटिंग स्पॉटलाइट, there is rotating spotlight at a perpendicular distance h from a horizontal floor the light revolves, the light revolves at n revolution per minute about a horizontal axis, about a horizontal axis, about a horizontal axis perpendicular to the paper, perpendicular to the paper, find the velocity of light, find the velocity of light spot traveling, spot traveling along the floor, spot traveling along the
फ्लोर। तो आप लोगों को पता ही होगा जैसे हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा, सर्कुलर मोशन के अंदर हमने स्पॉटलाइट वाला एक एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, ठीक है, कुछ उसी कैटेगरी का सवाल है बेटा। डायग्राम बता दे रहा हूँ क्या डायग्राम है, किस तरह से, तो मान लेते बेटा इस तरह से एक फ्लोर है और ज्यादा कुछ ना करते हुए ऐसे बता रहा हूं कि यहाँ पे एक स्पॉटलाइट है, ठीक है, ऐसे कुछ गिवन, और ये यहां इस तरह से, ठीक है, और ये है बेटा ये जो बी है, इस बी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब बताया हुआ ये जो दूरी है ये एक्स है, ये एच है और ये रहा बेटा थीटा, तो ये भी मुझे कैलकुलेट करना है और ये क्या गिवन है बेटा, फ्लोर गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको सॉल्व करने का अप्रोच किस तरह से रख सकते हो, सवाल जो है उस सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच किस तरह से रखा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे टैन थीटा, तो टैन थीटा किसके बराबर आएगा बताओ, ये आ जाएगा बेटा एक्स बाय एच, तो एक्स किसके बराबर आएगा, एच टैन थीटा के बराबर, तो एक्स किसके बराबर हुआ बेटा, एच टैन थीटा के बराबर आ गया, बात समझ में आती है। तो मुझे पता है मुझे अगर वी कैलकुलेट करना है तो वी को क्या लिखा जाता है, तो वी होता है बेटा डीएक्स बाय डीटी, होता है कि नहीं, वी अगर डीएक्स बाय डीटी है यानी अगर मैं बात कर लू तो डीएक्स बाय डीटी किसके बराबर आएगा बताओ तो जरा, तो ये आ जाएगा बेटा एच, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा बेटा डी थीटा बाय डीटी के बराबर। तो यहाँ पर हम बात कर लेते बेटा, तो एच ये आ गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाय डीटी, क्या होता है डी थीटा बाय डीटी होता है बेटा ओमेगा, अरे यार होता है कि नहीं, एच सेक स्क्वायर थीटा और ओमेगा जो आएगा बेटा ओमेगा इसके बराबर होता है बेटा, वो होता है डी थीटा बाय डीटी के बराबर। अगर वो डी थीटा बाय डीटी के बराबर आएगा तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो ये आया बेटा क्या v, अब v जो आया वो v किसके बराबर हुआ, h, ठीक है, h sec square theta omega, अब h, ठीक है sec square theta, अब omega को क्या लिखा जाएगा, omega होता है बेटा कितना होता है, omega की बात करूं तो omega को लिखा जाएगा omega हो जाएगा बेटा theta by t ना, ओमेगा किसके बराबर आएगा थीटा, तो थीटा कितना चला हुआ, तो वो चलेगा बेटा कितना 2 पाई n अपॉन 60, कितना चलेगा बेटा वो 2 पाई n अपॉन 60, यानी अगर हम बात कर लेते तो v के अंदर हम रिंग को पूरा कंसीडर कर लेते थे या डिस्क को पूरा, कभी हमने सेमी सर्कुलर डिस्क या रिंग की बात कर ली क्या, नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है सेमी सर्कुलर डिस्क या सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको यह पता होना नहीं सर किस कैटेगरी का सवाल हो सकता है, देखते हैं, मैं आपको सवाल बताता हूँ आप कोशिश करना, और मैं ये भी बता देता हूँ बेटा कि आप गलती कहाँ कर लोगे वहां पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसे मान लेता हूँ बेटा एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूं कि आपके पास एक डिस्क गिवन है, क्या गिवन है बेटा आपके पास एक डिस्क, अब डिस्क गिवन है तो अब तक हमने पूरी डिस्क पढ़ी थी, लेकिन अब मैं इसे बोल देता हूँ कि आपके पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क गिवन है, अब सेमी सर्कुलर डिस्क गिवन है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ मान लेता हूं ये सेमी सर्कुलर डिस्क आपके पास गिवन है, ठीक है, अब ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क आपके पास गिवन है और यहां से बोल लेता हूं बेटा एक्सिस पास होती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, और आपको बताना है बेटा यहां से जो एक्सिस पास हो रही है ना इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ये जो डिस्क है सेमी सर्कुलर डिस्क इसका मास m और रेडियस r मैंने बोल दिया, क्या बेटा ये डिस्क कैसी है सेमी सर्कुलर, उसका मास मैंने बोला m है रेडियस r और x ऐसे पास हो गया, इसके अबाउट आपको बताना बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, i डैश होगा, उस i डैश के वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक
तो ये सवाल बन सकता है। अब तक नहीं देखा, अब तक तुमने डीएस पूरी रिंग की बात कर ली, लेकिन अब इसकी जरूरत है। तो इसीलिए अब ध्यान से देखो, तो आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता होगा। हाँ बिल्कुल पता है, कितना आ जाएगा mr²/2। सर ये mr²/2 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r हो जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो i' is equal to हम बोलेंगे icom plus कितना बेटा md²। सो फिर icom की वैल्यू हम लिखेंगे बेटा कितनी, mr²/2 plus ये md कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा कितना mr², ऐसे कुछ कर लोगे, करोगे ना इससे कुछ। सर ये फिर फाइनल करते हुए हमारा आंसर बन जाएगा 3/2 mr², लेकिन ये क्या बेटा बिल्कुल गलत, बिल्कुल क्या बेटा ये गलत। क्योंकि आप ध्यान से देखो, तो हमने सेंटर ऑफ मास को बात कर ली है, कि एक सेमी सर्कुलर इसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है, एक सेमी सर्कुलर डिस्क सेंटर ऑफ मास कितना होता है, रिंग का कितना होता है, इसकी चर्चा हमने कहा कि ये सेंटर ऑफ मास। और आप जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हो, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को आप लिखते हो आई इज इक्वल टू आई सी ओ एम। इस आई सी ओ एम का मतलब होता है एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास है। तो एक्सिस यहां पे इसकी सेंटर ऑफ मास से थोड़ी पास होती है भाई साहब, नहीं, एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाइन करेगा यार, इसका सेंटर ऑफ मास यहां तो ही लाइन कर जाएगा, और वो कितना होता है, होता बेटा 2r/5 के बराबर। ये बड़ा बड़ा वोल्टेज है, हमने जब बात कर ली थी बेटा वहां पे सेंटर ऑफ मास में, तो वहां पे हमने सेंटर ऑफ मास रिंग का भी पढ़ा हुआ है, डिस्क का भी पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसका सेंटर ऑफ मास आपके पास आ गया, अगर ये सेंटर ऑफ मास है बेटा, तो यहां से लेकर यहां तक दूरी हो जाएगी आपके पास आ गई। अब यहां से यहां तक की दूरी आपके पास आ गई बेटा, तो अब यहां से इसका पता कितना है mr²/2, इसका पता है आपके पास कितना है, दूरी पता है, तो आप पैरेलल लगा दो। पैरेलल लगाने के बाद इसके पास आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी आ गई, और फिर उसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा, अब ये बहुत आगे की बात है, इस टाइप का सवाल आ रहा है, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी है बेटा क्वेश्चन किसी भी प्रकार के आ जाए, हम मतलब सवाल की जो पॉसिबिलिटी वो किसी प्रकार से हो सकती है, लेकिन हम उतने कैपेबल होने चाहिए कि किसी भी कैटेगरी का सवाल हमारे पास आए, एटलीस्ट उसको सॉल्व करने का अप्रोच हमारे पास हो जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच किस प्रकार से, इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इसकी चर्चा हमने कर ली है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो आई थिंक मतलब मुझे ये लगता है कि आपको ये सवाल अगर आ भी जाता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सवाल डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, एक तो सवाल हो गया, अब तक हमने इंडिविजुअल बॉडीज की बात कर रही थी, यानी क्या कि हमने क्या बोला कि एक रिंग एक डिस्क वगैरह, लेकिन आप कुछ कंपाइन सिस्टम की भी बात हम कर लेते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। एक बेसिक सवाल जो है उसकी बात कर लेते हैं यहां पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेता हूं बेटा आपके पास रिंग, क्या बेटा रिंग, और अब एक रिंग है आपके पास, दो रिंग है। सवाल देखिए, मैंने बोला आपके पास रिंग है, क्या है रिंग, और एक रिंग ना होके कितनी है, दो रिंग है, और दो रिंग है तो है लेकिन कैसे है, देखिए जरा ध्यान से। एक जो रिंग है कुछ ऐसे, ठीक है, और जो दूसरी रिंग है वो कुछ ऐसे, ठीक है। अब रिंग जो है इसका मास m है, रेडियस r है, रिंग जो है इसका मास m है और रेडियस कितनी है r, और एक्सिस जो है वो ऐसी है,
ठीक है, इसके अबाउट आपको बताना बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट आपको बताना बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। आई होप सो मतलब जो डायग्राम है वो आपको क्लियर है। आज देखो डायग्राम में क्या बताया हुआ है, एक रिंग जो है बेटा कुछ इस प्रकार से और दूसरी रिंग इसके अंदर फंसी हुई है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये रिंग ऐसी गिवन है और ये रिंग इसमें ऐसी फंसी हुई है, ठीक है, और एक्सिस ऐसे पास हो रही है और इस एक्सिस के अबाउट आपको बताना बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो कैसे अप्रोच कर लोगे आप, एक्सिस देखो बेटा ऐसे गिवन है तो अप्रोच क्या रहेगा कि आप क्या कर लोगे इसके सेंटर से जो पास हो गया इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग है बताओ जरा, I is equal to आ जाएगा बेटा कितना एम आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर। अब इसको कहां पे लेके जाना है यार आपको बताओ जरा, यहां से यहां तक लेकर जाना है तो यहां से R, ये R, टू R और ये R, कितने दूरी पर 3R, तो क्या लिखोगे M, ये आ जाएगा बेटा 3R का स्क्वायर। ये तो कौन से रिंग की बात कर ली बेटा हमने, नीचे वाले, अब ऊपर वाले रिंग की क्या बात करेंगे प्लस, अब यहां से देखो ऊपर वाले रिंग के लिए ऐसी दूरी करनी होगी ना तो कितनी होगी एम आर स्क्वायर, एक्सिस को ऐसे बोलोगे ना तो कितने आ जाएगी यार एम आर स्क्वायर बाय टू, डायमेट्रिकली ना हो कितना आ जा रहा है एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस कितना रहेगा एम आर स्क्वायर, कितना रहेगा ये एम आर स्क्वायर, अब ध्यान से देखो तो कितना होगा ये बताओ जरा, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस 9 एम आर स्क्वायर प्लस बताओ तो जरा ये 2 3 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, यानी कितना हुआ ये 10 एम आर स्क्वायर प्लस 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, यानी फाइनलाइज करते हुए 23 एम आर स्क्वायर बाय 23 एम आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है ये 23 एम आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर आपका आंसर बन जाना है, इसके बराबर 23 एम आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर आपका फाइनल आंसर बन जाता है। तो अब कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो सवाल किस तरह से भी बन सकता है, सवाल किस तरह से भी बन सकता है, जितने सारे सवाल आपको हमने डिस्कस किए वो सारे सवाल आप पैरेलल एक्सिस वेलोसिटी से या परपेंडिकुलर एक्सिस वेलोसिटी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ मैक्सिमम सवालों के अंदर हमें परपेंडिकुलर के जगह क्या यूज करना होगा पैरेलल, क्योंकि सवाल जो बनना है बेटा आसान बनना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके। अब अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, अगर किसी सवाल को मैं उल्टा लिख देता हूँ चेंज कर देता हूँ, यानी क्या अगर मैं इसको ऊपर बना लू और इसको नीचे बना लू तभी भी कोई दिक्कत, तभी दिक्कत आएगी क्या, अगर मैं सवाल को चेंज कर देता हूँ यानी सवाल को क्या कर देते बेटा मैं इसको नीचे अभी ये ऊपर बना लूंगा और इसको नीचे तभी मैं आंसर देखो वैरी करके मतलब चेक करके कि आंसर वही आ रहा है क्या, यानी 23 एम आर स्क्वायर बाय 2 ये आंसर आपको मिलेगा क्या, ये चेक कर, चेक करके बताना मुझे आंसर वही मिलने वाला है, आपको ये पता चलेगा कि सर कैसे भी सवाल हो ना मतलब ये ऊपर हो या ये नीचे हो सॉल्व करने का अप्रोच देखो सबसे पहले नीचे से सॉल्व करना है, नीचे वाली रिंग लेना है फिर ऊपर वाली रिंग लेना है और फाइनलाइज करते हुए आपको आंसर मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 23 एम आर स्क्वायर बाय 2 के, ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब ट्रायंगुलर प्लेट वाले भी सवाल बन सकते हैं, क्या बन सकता है यार ट्रायंगुलर प्लेट वाले सवाल, अब ट्रायंगुलर प्लेट वाले सवाल कैसे बन सकते हैं इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ट्रायंगुलर प्लेट वाले सवाल मैं इसको कुछ हेडिंग के तौर पे बोल लेता हूं,
सिलिंड्रिकल्स और ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट वाले क्वेश्चन ये भी आपने आपका सही देख लिए होंगे। कैसे सवाल हो सकते हैं ट्रायंगुलर प्लेट के ऊपर, किस तरह का सवाल हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं, मान लेते हो बेटा इस तरह से आपके पास एक ट्रायंगुलर प्लेट, चलो इस तरह से बोल देते, अगर ये ट्रायंगुलर प्लेट आपके पास है जिसका मास मैं बोल दूंगा बेटा एम रहा, और आपसे बोला जाता है यार कि ये जो है ये एक्सिस गिवन है, इस एक्सिस के अबाउट आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। अब सर इस तरह के सवाल को ऑलरेडी मतलब हमने जितने सारे सवाल डिस्कस किए हुए उसमें से हमने देखा कि रिंग डिस्क ये सारी बातें, तो ट्रायंगुलर प्लेट तो नहीं आया हुआ, तो ट्रायंगुलर प्लेट को किस तरह से सॉल्व करना है ये दिक्कत बच्चों को आती है, और इसीलिए हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा ट्रायंगुलर प्लेट वाले सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जाए। अब ध्यान से देखो, अगर आप देखते हो तो इस कैटेगरी के जो सवाल है उसमें हमें यूज करना बेटा सिमेट्री का, किसके यूज करना है सिमेट, यानी जब हम सिमेट्री का यूज करेंगे बेटा तो सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान सा अप्रोच हमारे पास होगा। मतलब समझाना, अगर मुझे इस एक्सिस के अपोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो अभी देखो मैं क्या बना रहा बेटा, मान लिया बेटा ये गिवन होगा बेटा सवाल में हमें कि इसकी साइड ए है, कितनी है साइड ए, यहां पे गिवन है बेटा सवाल में इसकी साइड कितनी है ए, तो सबसे पहले क्या कर लो इसका जो मास एम है और ये जो जिस तरह से है सारे उसी तरह से बना दो, यानी किस तरह से होगा कुछ बिल्कुल सिमेट्रिकली हमें सारी बातें बना दी, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा ये, फिर ऐसे कुछ आएगा इधर और फिर ऐसे कुछ आएगा इधर, तो ये क्या बन गया एक स्क्वायर प्लेट, क्या बन गया बेटा ये स्क्वायर प्लेट। अब देखो अगर ये स्क्वायर बन गया, अगर ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर प्लेट से बिल्कुल सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अपोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम ए स्क्वायर बाय सिक्स, कितना होता है एम ए स्क्वायर बाय सिक्स होता है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है सिक्स एम ए स्क्वायर, सिक्स एम ए स्क्वायर बाय टू, ठीक है स्क्वायर स्क्वायर प्लेट, ठीक है स्क्वायर प्लेट की हम बात कर रहे हैं, तो अब देखो इसकी जो साइड आएगी बेटा ये ए है ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा रूट टू ए, ये कितना आ जाएगा रूट टू ए, ये भी कितना आ जाएगा रूट टू ए, और ये भी कितना आ जाएगा रूट टू ए, और इन सबका जो मास है लगभग एक स्क्वायर बनाना है, इन सबका जो मास है उस मास के बारे में क्या बोल सकते हो कि ये जो मास रहेगा बेटा वो मास कितना होगा, तो वो मास हो जाएगा बेटा कितना 4m के बराबर, एक का मास कितना है m, ऐसे कितने हैं हमारे पास, ऐसे हमारे पास चार कंप्लीट फोर है, तो सबका मिलाकर कितना मास हुआ बेटा 4m के बराबर, ठीक है, तो सबका मिलाकर 4m हो जाता है, सबका मिला के कितना हो रहा है बेटा 4m, तो आप कैसे लिखोगे इसको बताओ, इसको लिखने का तरीका कितना हो जाएगा किस तरह से, तो इसके अबाउट अगर आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा यानी किस तरह से बोला जाएगा, तो i is equal to ये हो जाएगा बेटा कितना m a square by 6 ना,
तो यहाँ पे फाइनलाइज करते हो, मैं इसे बोल दूंगा एम, और कितने दूरी पर है यार ये रूट टू ए का स्क्वायर बाय सिक्स, ठीक है ना। ये किसका हुआ बेटा टोटल, मतलब इसमें फोर लगेगा यहाँ पे फोर, अब ये किसका हुआ बेटा टोटल, अब मुझे इसमें से किसका होना बेटा सिर्फ एक का, तो इसको मैं वन बाय फोर कर दूंगा, तो यहाँ से ये फोर फोर गेट कैंसल, और फाइनलाइज करते हुए मेरे पास जो आएगा वो आ जाएगा बेटा एम, ये कितना हो रहा है बेटा टू ए स्क्वायर बाय सिक्स, यानी कितना आ रहा है बेटा फाइनलाइज करते हुए एम ए स्क्वायर बाय थ्री, ये आंसर कितना आएगा एम ए स्क्वायर बाय थ्री के बराबर। अब कोई बोलेगा सर अगर सिमेट्री लेनी थी, अगर कोई बोलता है कि सर अगर सिमेट्री लेनी थी तो इसको क्यों कंप्लीट करने लिया, इसे क्यों कंप्लीट करने लिया, इस तरह से ये भी तो सिमेट्रिकल होता, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट थोड़ी होता यार, मुझे इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, क्या करना होगा बेटा इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, तभी तो मैं इसको पूरा बना रहा हूं, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे अगर एक्सिस होती तो ये चल जाता, देखो कैसे बना लेता हूं उसी तरह से एक सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो मान लो बेटा ऐसे भी होने ये गिवन है बेटा आपके पास ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है। अब इसका मास आपके पास गिवन है यार कितना है, यही पे बना लेता हूं एम मास गिवन है और आपको एक्सिस ये गिवन है, ठीक है। अब बन जाता सर, अब बिल्कुल बन जाता सिमेट्री, देखो अगर इसकी साइड ए है, ठीक है, और ये भी साइड कितनी है ए, तो आप बिल्कुल सिमेट्री बन जाती थी, देखो ध्यान से ये आ गए बेटा पूरी सिमेट्री, अब ये बिल्कुल सिमेट्री बन गई, तो यहां से आपको दिक्कत नहीं होगी आप सॉल्व करने में, देखो तो जरा अब इसका टोटल जो मास है बेटा वो कितना हो जाएगा 2m, इतना आ जाएगा 2m। अब क्या कर लोगे, फिर बोलूंगा i is equal to बोलिए कितना आएगा, i is equal to तो आ जाएगा 2m square by 6, इतना हो जाएगा यार 2m a square by 6 के बराबर। अगर ये 2m a square by 6 के बराबर आ जाता है, ठीक है ध्यान से। अब सर अगर ये a दूरी पर है, इसलिए मैंने बोला ये 2m a square by 6 के बराबर है, क्योंकि अगर यहां से देखो तो इस एक्सिस के अबाउट, यानी अगर यहां से पास हो रहा है बेटा बिल्कुल सेंटर में, तो कितना होगा m a square by 6 होता है, तो अब टोटल है ना ये, इसके कारण मैंने क्या बोला ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m square by 6। अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच किस तरह से हो सकता है यार, देखो यहाँ पे मैंने पूरे कंप्लीट लिखा था, अब ये साइड 2 ये निकल के आ रही थी तो इसलिए बोला था, अब मैंने इसको बोला 2m square by 6 इसके अबाउट है। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, ये एक्सिस मैंने ऐसे बना लिया, अब मैं यहाँ पे कुछ अलग यूज कर रहा हूं बेटा, अब यहां से देखो इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसी के अबाउट उतना, और इसके अबाउट आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो होगा 2m a square by 6 के बराबर। अब ध्यान से देखो मैं कौन सा थ्योरम यूज कर रहा हूं, परपेंडिकुलर थ्योरम यूज कर रहा हूं यार, तो यहां पे मैं बोलूंगा बेटा आई और I दोनों मिला के कितना हुआ 2i is equal to इसके बराबर आएगा 2m a square by 6 के बराबर। अरे यार होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो I is equal to इसके बराबर आएगा था m a square by 6 के बराबर। तो ये किसके लिए हो बेटा, ये कंप्लीट हुआ पूरे पूरे स्क्वायर के लिए, मुझे सिर्फ इतना पोर्शन के लिए होना था, तो क्या करूंगा I is equal to m a square by 2 into 6 आधा कर लिया ना, तो फाइनल I is equal to कितना बोल रहा है, मतलब कितना आ रहा बेटा फाइनल आंसर m a square by 12। तो ये रहेगा बेटा इसके अगर आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to m a square by 12, और इसके लिए हमने जब कैलकुलेट किया था तो कितना आया था m a square by 3, ठीक है। तो इस कैटेगरी के सवाल भी आपसे बन गए, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है बेटा वो डिस्कस करेंगे बेटा अगले लेक्चर में, तो आज के लिए रुक जाते हैं, थैंक यू सो मच।